गाड़ी में हो रहा है, न्यू शेप का डैशबोर्ड फिट, ये देख लो। अब ये जा रही है ऊपर, फाइनली अपनी गाड़ी पेंट बूथ में घुसी गई, पूरी की पूरी जीआर स्पोर्ट में नजर आ जाएगी। सबसे पहले इंडिया में मैंने ही आपको दिखाया, बहुत ही सही लग रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सो आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अपनी फॉर्चुनर सीरीज जो है ना, उसका काम थोड़ा सा डिले हो रहा था, और डिले होने का रीजन ये था कि हम एक बेटर अपग्रेड की वेट कर रहे थे, और वो बेटर अपग्रेड ये था कि गौरव भैया की ये वाली जो वर्कशॉप है ये शिफ्ट हो गई है एक बड़ी वर्कशॉप पे, जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज है और उसके साथ साथ पेंट बूथ भी है। तो आपको पता है लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि अपनी गाड़ी पे बेस कोट डल चुका था, जो फाइनल पेंट है वो डलना बाकी था। तो मैं ये चाह रही थी कि इस बार अपनी गाड़ी का जो पेंट है ना वो एकदम टॉप नॉच हो। यार मानती हूँ कि बाहर भी सही होता है, लेकिन जो बाहर और पेंट बूथ की पेंट क्वालिटी होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। पेंट बूथ में आपको फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं जो डस्ट को कट डाउन करते हैं, जिससे गाड़ी के ऊपर जो पेंट की फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है, पेंट बहुत प्यारा लगता है। और वहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है जो सूटेबल रहती है क्लाइमेट के हिसाब से भी और पेंट को क्योर करने के लिए भी। तो फाइनली अब अपनी जो गाड़ी है वो पेंट बूथ में पेंट होने वाली है, इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मान लो अगर यहाँ पे जो काम हो रहा था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो अलग ही लेवल की, और वो वर्कशॉप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है। तो बस आज अपनी गाड़ी पेंट होने वाली है, हालांकि आपको ये कंटिन्यूटी में दिखेगा, लेकिन मैंने ये जो फाइनल पेंट है इसको डलने के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारा बीच में गैप आया है, काफ़ी डेज और रुके हम, तब जाके ये हुआ है कि चलो अब इसका जो फाइनल पेंट है वो फाइनली बूथ में ही होगा। तो इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अब बस गाड़ी वहाँ पे लेकर जा रहे हैं और बस आपको पेंट करते हुए दिखाएंगे आज। तो ये अपनी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है और एक सीट यहाँ पे लगा दी है ताकि दूसरी वर्कशॉप तक गाड़ी ले जाई जा सके। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का ही रास्ता है। भाई ये तो जा रही है, चलो अपने भी पीछे पीछे चलते हैं। तो ये आ गई अपनी फॉर्च्यूनर और वो देखो अपनी स्कॉर्पियन वहाँ पे खड़ी हुई है। यार इतने बड़े बड़े दो जहाज हो गए, मैं सोच रही हूँ ये मेरे पास रहेंगे कैसे, मैं कैसे संभालूंगी। तो सोच रही हूँ वो वाली तो बेच ही दूंगी, जब ये रेडी हो जाएगी कि फिर मैं इसको ज्यादा चलाऊंगी। तो ये अभी मैं इसके थर्ड फ्लोर पे आ गई हूँ। इस बिल्डिंग में टोटल 4 फ्लोर्स हैं, जिसमें से एक बेसमेंट है और 3 फ्लोर ऊपर है। तो ये जो थर्ड फ्लोर है मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे है पेंट बूथ। और अंदर अगर आप देखोगे तो इनोवा हाईक्रॉस खड़ी हुई है, इस पे कुछ पेंट का काम चल रहा है, देख लो सारे के सारे बंदे भी अंदर है। भाई अपनी जो गाड़ी है वो भी यहीं पे पेंट होएगी, इस चीज़ की खुशी अलग लेवल की है। यार हम लोग तो ये सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ गए हैं क्योंकि इंसानों वाली लिफ्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन गाड़ी के लिए लिफ्ट आपको बेशक दिखेगी, इतनी बड़ी सारी लिफ्ट है। फिलहाल हमारी जो गाड़ी है वो नीचे है, हम लोग तो ऊपर आ गए हैं, अपनी गाड़ी इसके अंदर लोड होके यहाँ पे आएगी और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेंट बूथ के अंदर पेंट होने जाएगी। देखो भाई ऑपरेशन थिएटर खुल गया है, गाड़ी अब ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद बाहर आने लगी है। भाई ये अपनी गाड़ी अब लिफ्ट में जा रही है और लिफ्ट से जाएगी ऊपर। तो अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ से अंदर आई है, ये खड़ी हुई है, ये है ग्राउंड फ्लोर। अगर उधर देखोगे तो वहाँ पे पीपीएफ का काम चल रहा है, उधर कॉर्नर में लिफ्ट है जहाँ से गाड़ी जाने वाली है ऊपर। तो बस इसको मोड़ के खड़ा करें, वहाँ लिफ्ट में पहुँचाएंगे, फिर इसको ऊपर लेके चलते हैं। यार ये लिफ्ट का साइज देखो, इसमें कम से कम 150-200 बंदे आराम से आ सकते हैं, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, हम अपने पैरों का इस्तेमाल करके वॉक करते हुए स्टेयर्स यूज करके ऊपर जाएंगे, इसमें सिर्फ हमारी गाड़ी जाएगी। ये गाड़ी तो यहाँ पे लोड हो गई है और अब ये जा रही है ऊपर। अपनी गाड़ी में पेंट तो हो ही रहा है, लेकिन मैं आपको आपकी गाड़ी के लिए एक खुशबू का एक मस्त इंतजाम बता देती हूँ। ये है इन्वॉल्व का ब्लैकस्टोन परफ्यूम, इसके साथ में ऐसा टैग आता है, आपको इस तरह से इसको हैंग करना है और बस 2 बार स्प्रे करना है, और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अमेजिंग है ना, इसको SUVs के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो लॉन्ग आवर्स तक आपकी गाड़ी में ये रहती है। और कोई भी आपकी गाड़ी में आके बैठेगा पूछेगा आपसे कि भाई आपने कौन सी फ्रेग्रेंस लगा रखी है, और आपके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरा कूपन कोड हर गैरेज यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके परचेज कर लो। तो ये जो फिल्टर जो डस्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो फिल्टर कुछ ऐसा होता है, और ये यहाँ पे ना चेंज किया जा रहा है अभी। तो फाइनली अब अपनी गाड़ी अंदर जा रही है पेंट होने के लिए। हेलो भाई, फाइनली अपनी गाड़ी पेंट बूथ में घुसी गई है, अब बस पेंट होना स्टार्ट होना बाकी है। मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगी पेंट का, कि बूथ के अंदर गाड़ी कैसे कैसे पेंट होती है। तो ये गाड़ी तो हमने अंदर लाके खड़ी कर दी है, अब हम लोग किस हिसाब से पेंट करने वाले हैं, क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, बूथ में पेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स है वो फटाफट से बता दो एक बार। बेसिकली बूथ में ये बेनिफिट है कि हम एक तो डस्ट प्रूफ हो जाता है इसमें, कि डस्ट नहीं आएगी। हम देखो आपने हमने इसके फिल्टर भी चेंज करे हैं, तो जितना मतलब बाहर हम ओपन में करते थे तो थोड़े बहुत चैलेंजेस ये सबसे ज्यादा आते थे कि डस्ट प्रूफ नहीं हो पाता था। पेंट बूथ में हमारे को बिल्कुल भी डस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट है। यस, और हीटर भी मिलेगा इसमें, जो ऊपर ऊपर देखिएगा आप, हमने इसमें हीटिंग के साथ जल्दी सूखने के लिए भी हीटिंग भी है इसके अंदर, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। प्रॉपर लाइटिंग में हो जाएगा,
डे नाइट का कोई इशू नहीं रहता। इसके अंदर जैसे आजकल वेदर चेंज होता है तो फॉग आ जाती है, इवनिंग में थोड़ा सा पेंट डालते हैं तो वो फॉग वाला इशू भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ना अभी फाइनल मास्किंग हो चुकी है क्योंकि गाड़ी पे जो फाइनल लेयर ऑफ पेंट डालनी है ना वो डलने वाली है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है काम। फिलहाल देखोगे तो ये वाले दो पैनल्स पेंट हुए हैं, वो पेंट नहीं हुआ है, ये दोनों पेंट हुए हैं। और एक बार आप फिनिशिंग देखो कितनी प्यारी आ रही है, एकदम मिरर फिनिश आ रही है, पेंट जेन्युइनली बहुत ही प्यारा हुआ है। कि एक बार ये कम्प्लीटली पेंट हो जाए उसके बाद मैं अपना रिव्यू इस पेंट के ऊपर आपको देऊंगी, अगर कोई कमी लगी एक्चुअली तो वो भी बताऊंगी। तो अभी ना अंदर हीटर वगैरह चल रहा था तो मैं तो बाहर आ गई हूँ क्योंकि काफी ह्यूमिडिटी फील होती है और पूरा क्लोज्ड एरिया है ना तो वैसे भी सफोकेटेड सा लगता है, तो मैं तो बाहर आ गई हूँ। बाकी गाड़ी का पेंट जो है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, पूरा हो जाएगा या मतलब जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको दिखा दूंगी। फिनिशिंग वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जेन्युइनली अभी तक बहुत अच्छी है, बाकी देखते हैं एंड आने तक। नेक्स्ट डे, तो आज है नेक्स्ट डे। लास्ट आपने गाड़ी देखी थी दूसरी वाली वर्कशॉप में, तो उससे हम इसको यहाँ पे ले आए हैं। पेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है इसका और पेंट की जो क्वालिटी है ना जेन्युइनली बहुत प्यारी आई है। इसकी जब रबिंग वगैरह हो जाएगी ना उसके बाद इसकी जो पेंट की क्वालिटी है आपको अच्छे से चेक कराऊंगी। फिलहाल ना अभी इसकी फिटिंग स्टार्ट होनी है, हम वापस से पुरानी जगह पे आ गए हैं, वो वाली वर्कशॉप पे आपको जैसा बताया था रेनोवेशन का काम चलना है, तो इसीलिए हम लोग वापस यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ पे अब गाड़ी की फिटिंग होगी और यार जेन्युइनली मजा आ गया देख के, पेंट बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे ना इसका फिटिंग का काम स्टार्ट हो गया, ये हो क्या रहा है वैसे? अभी इसके वायरिंग के मेनली वायरिंग का काम हो रहा है। पहले जो इसके वाइपर हमने टेलगेट चेंज करा है तो ओल्ड वायरिंग हटा के अब इसके टेलगेट के लिए न्यू वायरिंग है, सो दैट इसका जो वाइपर वाटर है वो भी वर्किंग हो, पानी इसका यहाँ से इस तरह से आ जाए। अभी वाइपर वॉशर चेंज हो रहे हैं, इसके वाइपर का काम हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसकी फिटिंग करते हुए इसका क्वार्टर पैनल्स, डोर्स, इसकी पावर विंडोज, इनके आगे धीरे धीरे उनके वर्किंग करेंगे। ओके। वैसे तो गाड़ी में जो मेन झंझट वाला काम था ना, जो मेन हेजल वाला काम था वो हो चुका है। अभी जितनी जितनी गाड़ी खोली थी ना, जो उसकी फिटिंग्स निकाली थी, बस वो जुड़नी बाकी है, तो वही सब हो रहा है। नेक्स्ट डे, अब जो वायरिंग का काम चल रहा था वो सारा कम्प्लीट हो गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रोम बिडिंग है ये फिट हो गई है, यहाँ पे डोर हैंडल्स फिट हो गए हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ अंदर देखोगे तो ये देखो डोर पैड्स की जो फिटिंग है वो भी हो चुकी है। यहाँ पे आपको ये काफी गंदे लग रहे होंगे बट कोई बात नहीं, अभी प्रॉपर फिटिंग होने के बाद सब कुछ ड्राई क्लीन होगा, एकदम चमक जाएगी ये चीजें। और ये देखो यहाँ पे सीट बेल्ट की फिटिंग चल रही है। यार ये जो सीट बेल्ट थी ये तो सारी की सारी फिट हो चुकी है, अब इसके बाद जो एसी की फिटिंग है ना वो हो रही है। और भाई इधर आओ आपको एक चीज दिखाती हूँ, इस गाड़ी में हो रहा है न्यू शेप का डैशबोर्ड फिट, ये देख लो ऑलमोस्ट हो गया है और बहुत ही सही लग रहा है। कंप्लीट होने के बाद तो इसकी लुक ही पूरी चेंज हो जाएगी, मतलब बता पाना मुश्किल है कि गाड़ी है कौन से मॉडल की। और ये जो C300 आपको दिखाई थी ये भी चलने लग गई है, अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट वर्किंग कंडीशन में आ गई है और अंदर से भी इंटीरियर का काम चल रहा है, तो पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर दिखने लग गया है। थोड़े टाइम की बात है बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगी। इवन ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि ये चलने लग गई है, इसको निकाल के ना चला के भी देखा था तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये उल्टी भी खड़ी है, पहले इसका फेस इधर था अब उल्टी साइड है। ये देखो इंटीरियर से काफी सारा काम ऑलरेडी हो चुका है और बस अब जो फाइनल फिनिशिंग टचेस बाकी है ना वही रह गए हैं। नेक्स्ट डे, तो आज नेक्स्ट डे हो गया और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड की फिटिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा टाइम लग जाता है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है तो ये 2-3 दिन का प्रोसेस होता है हर चीज फिट करने में। अब आप सोच रहे होगी कि ये डैशबोर्ड है ये तो हम ओल्ड शेप का ही फिट करा रहे हैं। हाँ अभी डैशबोर्ड मैं ओल्ड शेप का ही फिट करा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि न्यू शेप का फिट नहीं हो सकता। मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इवन अगर आप चाहते हो कंप्लीट फिटेड तो मैंने रील में भी डाला हुआ है, सबसे पहले इंडिया में मैंने ही आपको दिखाया था, तो जाके वो रील चेक कर लो, वहां पे भी आपको दिख जाएगा पूरा फिटेड डैशबोर्ड। लेकिन मैं पर्सनली चाह रही हूँ कि ये जो इंटीरियर वाला सारा सीन है ना ये मैं सेपरेटली करूँ, एक बार एक्सटीरियर से पूरी लेजेंडर बनवा ले उसके बाद जो इंटीरियर वाला काम है ना वो सारा मैं इकट्ठा कराना चाहती हूँ, पहले एक्सटीरियर का काम करवाना चाह रही थी। ये देख लो भाई आपके सामने ही है, लग सकता है 100% डैशबोर्ड लग जाता है लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगवाना। अभी इवन आपको याद होगा मैंने अपनी स्कॉर्पियो सीरीज में भी ऐसे ही किया था, पहले मैंने एक्सटीरियर से कन्वर्ट करवाया था, उसके काफी टाइम बाद में इंटीरियर का पूरा कन्वर्जन दिखाया था। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले एक्सटीरियर से हम लोग लेजेंडर का फील ले लें, इंटीरियर भी आएगा, टेंशन मतलब कंप्लीट आएगा। तो आज की आपने इस वीडियो में देखा कि हमने आपको पेंट होते हुए गाड़ी दिखाई, इसके अलावा अंदर से जो फिटिंग्स वायरिंग्स वगैरह बेसिक छोटी छोटी चीजें होनी थी वो सब दिखा दिया। अब अगली वीडियो में ना ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये आपको 100% कंप्लीट दिखेगी, पूरी की पूरी जीआर स्पोर्ट में नजर आ जाएगी आपको। मतलब ये जो आप बेसिक चीजें देख रहे हो ना ये रह गई है, ये अब आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा, पूरी कंप्लीट दिखेगी। अच्छा आप ये गाड़ी अब हमें और कितने दिन में दे दोगे? ये देखिए हमने अब इसकी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आउटर फिटिंग करनी है, इंटीरियर अभी हम इसमें कर नहीं रहे हैं।
तो आउटर फिटिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का टाइम लगेगा फिट आउटर फिटिंग में, और 1 दिन आपका ऑडियो अपग्रेड होगा इस गाड़ी का और सर्विसिंग होगी, तो आप मान के चलो 3 से 4 दिन में हम आपको गाड़ी की डिलीवरी कंप्लीट करके दे देंगे। तो बस अपनी जो जीआर स्पोर्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट दिखेगी। जीआर स्पोर्ट किट, लाइटें वाइटें सब कुछ कंप्लीट करके ही आपको दिखाऊंगी, 100% कंप्लीट मिलेगी। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती होगी अगली वीडियो में। बाय बाय।